प्लीज सब्सक्राइब करें टीआरपी न्यूज चैनल को और दबाएं इस घंटी को। यूपी के संभल से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां गन्ने के खेत में किसान की सरकटी लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या का आरोप मृतक की पत्नी ने अपने देवरों और अपने ससुर पर लगाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला गुन्नूर कोतवाली के ग्राम असदपुर का है, जहां विनोद नाम का युवक जो कि खेतीबाड़ी करता था, कल सुबह वो अपने खेत पर गया और वापस नहीं लौटा। परिजनों ने विनोद को काफ़ी तलाश करने की कोशिश की, मगर उसका कहीं पता नहीं चल पाया। दोपहर हुई तो जैसे ही परिजनों को खबर मिली तो वो तुरंत खेत पर पहुँचे, जहाँ पर उनको विनोद का सरकटा शव मिला, जो कि गन्ने के खेत में रखा हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस वहाँ पर पहुँच गई और शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक विनोद की पत्नी का आरोप है कि ज़मीन को लेकर उसके पति और उसके भाइयों और ससुर के बीच में काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर विनोद की हत्या उसके देवरों और ससुर ने की है। पत्नी के अनुसार विनोद अपने खेत पर गन्ना काटने गया था, तभी उसके सगे भाई आए और उसको खेत से खींच कर ले गए और धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया, जिससे विनोद की मौके पर ही मौत हो गई है। पत्नी ने यह भी आरोप लगाए हैं कि उसको और उसके पति को उसके देवर और ससुर काफ़ी समय से परेशान करते चले आ रहे थे और उनको उनके हिस्से की ज़मीन भी नहीं दे रहे थे, जिसका जब इसकी पत्नी और विनोद ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसकी पत्नी को भी मारने की कोशिश की। फिलहाल मृतक की पत्नी हत्या का आरोप अपने देवरों और ससुर पर लगा रही है। वो बेहद ही हैरान करने वाला मामला लग रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर के अनुसार मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस की जांच में क्या निकल कर आता है। क्या वाकई एक भाई ने जमीन के लिए दूसरे भाई को मौत के घाट उतारा है, या इस पूरे मामले की कोई और ही वजह है। वैसे पुलिस हर एंगल से इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कुछ कहा तो बोला तेरी जमीन तुझ पे ही, तेरे बांट की बेच करके तुझ पे ही लगा देंगे, हम तुझे जमीन नहीं देंगे। मेरा उनसे ही विवाद है, गांव में मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी तो वही दुश्मन बहन बैठे खेत में से खींच के ले गए, ईद में गन्ना काटने गए, गन्ना काट से। अच्छा, ये कब से गायब थे? ये कल से, कल दोपहर 12 बजे। आपने कोई पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था उस समय? दिया था, यहाँ पर FIR दर्ज कराई थी शाम। पुलिस गई थी ढूंढने? पुलिस नहीं गई है। अच्छा, दिल्ली से कब आई थी? दिल्ली से आए थे परसों। और कुछ कहना है आपको? मेरे तो यही है बस, और कोई दुश्मन नहीं है, मेरे तो यूं ही मारा है, ये खींच के ले गए थे, ये काटने गए थे। गांव में एक गला रेत कर हत्या की गई है, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली में एक विनोद नाम का व्यक्ति है जो असदपुर का रहने वाला है। वो चार भाई हैं, चार भाइयों का कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। कल शाम से वो अचानक गायब हो गया। उसकी पत्नी का कहना ये है कि कुछ लोग आए थे और वो मेरे पति को लेके चले गए थे, तो वो थाने पर आई तो उसकी गुमशुदगी दर्ज कर दी गई। आज करीब 3:30 बजे के आसपास में वो अपने गांव से करीब 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर एक खेत है बाबूजी जगन्नाथ का, जो उसी गांव के रहने वाले हैं, वहां पर उसका गला कटा हुआ था, उसकी हत्या की गई थी। अब घर वालों को पता लगा तो उनसे बातचीत की गई, तो उसकी पत्नी जो जिसने गुमशुदगी दर्ज कराई है, उसका कहना ये है कि मेरे जो और उसके भाई हैं, मृतक के भाई हैं, उन्हीं से मेरी दुश्मनी चली थी, उन्होंने ऐसा किया गया। उधर जो मुलजिम पक्ष है उनसे बातचीत करी, उनके परिवार के अन्य लोगों से बातचीत करी, उनका कहना है कि ये औरत की तरफ से हुआ, तो दोनों में आपस में कसमाकस है। अभी तो हमने मुकदमा दर्ज कर लिया 302 का, अब हम उसको सर्विलांस के माध्यम से या दूसरी और जो हमारे मीन्स हैं, मैनुअल वगैरह हैं, उनके माध्यम से पता लगाएंगे और इसकी सत्यता तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। जैसे सी सब पत्नी जो है पीड़ित मृतक की, वो आरोप लगा रही है कि पुलिस ने समय से, जब से मैंने प्रार्थना पत्र दिया, खोजबीन नहीं की, क्या कहेंगे साहब? नहीं, ऐसा कहना गलत है। जो गुमशुदगी हुई थी उसमें जितनी पुलिस के अपने हथकंडे हैं लोगों से बातचीत करने के, वो सब तरीके अपनाए गए हैं, लेकिन पता नहीं चल पाया था कि वो खेत में है। इधर उधर ढूंढते रहे लेकिन वो खेत के अंदर थी, अब पता लगा है वो लोगों के माध्यम से। सर, दो लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है इस संबंध में? अब पूछताछ के लिए तो अब तमाम लोगों को उठाया जाएगा, बातचीत करी जाएगी, क्योंकि ये अननोन मर्डर है। नामजदगी जो की जा रही है उसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता कि ये सत्य है या असत्य है।